सामाजिक समानता वाले जो दल हैं, अगर उनकी कुछ विचारधारा से सहमत होंगी माननीय बहन जी, तो उस पर कुछ विचार किया जाए। तो आज हमारे साथ है रमाकांत पिप्पल जी, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। आइए उनसे कुछ चर्चा करते हैं। सर, कल आपकी एक पैदल मार्च यात्रा है जिसमें आकाश आनंद जी आने वाले हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। बहुजन समाज पार्टी द्वारा कल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर प्रदेश के भाजपा शासन में आदिवासियों, गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों पर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उसके विरोध में एक पैदल मार्च निकालकर राजभवन पहुंचेंगे। और इसमें माननीय आकाश जी मुख्य भूमिका में हैं, साथ में ही केंद्रीय कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद माननीय अनिल राम जी गौतम जी हैं, और सभी हमारी पूरी नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ साथ सभी पूरी टीम जो बैठी है अभी सामने, सब उसमें उपस्थित रहेगी। क्योंकि आपको भी पता है, भाजपा शासन में जब से 2003 से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, गरीबों के, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, सबके ऊपर अन्याय अत्याचार चरम सीमा पर बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। और इसमें अभी हाल ही में आदिवासी समाज के ऊपर ज़्यादा ही अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, जबकि आदिवासियों के दिखावे के लिए उनका झूठा सम्मान की बात की जाती है, उनको झूठे वादों की बात की जाती है, इससे वो लोग भलीभांति परिचित हैं। और इसका खुलासा कल स्वयं आके माननीय आकाश जी और माननीय राज्यसभा सांसद इंद्र राम जी गौतम जी करेंगे। इसके लिए कल बहुत पूरे प्रदेश से, सभी जिला मुख्यालयों से पार्टी के सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता पदाधिकारी पैदल मार्च में पहुंचेंगे। आने वाले 6 महीने बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो क्या चुनावों को देखते हुए ये मार्च निकाला जा रहा है? चुनाव के लिए तो सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, तो बहुजन समाज पार्टी इसमें पीछे क्यों? चुनाव को भी ध्यान में रख के, पर अन्याय अत्याचार के लिए हमेशा बहुजन समाज पार्टी और पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आवाज़ उठाती रही हैं। और समय समय पर जब भी मध्य प्रदेश में एक शर्मनाक घटनाएं घटित हुई हैं, तो स्वयं माननीय पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने संज्ञान लिया है, ट्वीट किया है। तभी आपने देखा होगा सीधी में जो आदिवासी भाई के ऊपर एक शर्मसार करने वाला घिनौना कृत्य एक भाजपा नेता के प्रतिनिधि द्वारा, जो भी एक खुद भाजपा नेता था, उसके द्वारा किया गया, उसका वीडियो वायरल होता तब तो सरकार कुंभकर्ण की नींद से जागती है। पर माननीय बहन जी ने उस पर संज्ञान लिया और उसका ट्वीट करके उनको सरकार को चेतावनी दिया, तब कहीं जाके शिवराज मामा एक दिखावटी नौटंकी करते हैं, उसको बुलवाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार में गुंडागर्दी चरम सीमा पर बढ़ रही है। आप बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और बहुजन समाज पार्टी की आने वाले चुनाव में क्या रणनीति रहेगी? पूरी 230 विधानसभा पर चुनाव लड़ने की रणनीति है, या फिर अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करने की हुई? अभी ये पॉलिसी है, और पॉलिसी में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट निर्देश हैं कि अब हम प्रदेश की 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश की 230 सीटों पर आप चुनाव तो लड़ रहे हैं सर, लेकिन किसी अन्य पार्टी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं? जो बहुजन पार्टी अभी काफ़ी है यहाँ पर, ट्राइब संगठन है, गोंडवाना पार्टी है, किसी अभी देखिए जो सामाजिक समानता वाले जो दल हैं, अगर उनकी कुछ विचारधारा से सहमत होंगी माननीय बहन जी, तो उस पर कुछ विचार किया जा सकता है। वैसे तो अकेले लड़ने का ही इरादा है।